हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं आखिर उनको ज़्यादा दुख क्यों मिलते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में होता है और हर कोई यही बोलता है कि वो तो इतनी पूजा पाठ करता है लेकिन फिर भी भगवान है कि उसके कष्ट खत्म ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत मन में आते हैं और कुछ जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग ना तो पूजा पाठ करते हैं ना अच्छे कर्म करते हैं और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ये चीजें कई बार मन में घर कर जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखिए, पहले तो आप जो कुछ भोग रहे हो इस धरती पे इस जन्म में, वो जरूरी नहीं है कि आपके इसी कर्मों का फल हो, यानी कि वो आपके पिछले कर्मों का भी फल हो सकता है। देखिए, जैसे भगवान हमारा जन्म निर्धारित करते हैं, हमारे माँ बाप निर्धारित करते हैं, वो आप स्वयं से नहीं कर सकते। आप भले ही लाइफ में बहुत कुछ अपने दम पे कर सकते हो लेकिन कुछ चीजें भगवान ही आपको देते हैं, जैसे आपका परिवार, आपके माँ बाप, ये सब आपका भगवान ही विधाता ही लिखते हैं कि आपको किस कुल में जन्म लेना है, कहाँ पे जन्म लेना है और कितनी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कितनी बुरी होगी। तो ये सारी चीजें आपके पिछले जन्म के कर्मों पे डिपेंड करती है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म करे हैं। अब बात करते हैं कि इस जन्म के कर्मों का क्या, जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। देखिए, पहले तो आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस जन्म में भी आपके साथ अच्छा ही होगा क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। भगवान तो बड़े से बड़े जो पापी होते थे उनको भी क्षमा प्रदान कर देते, उनको भी कुछ ना, जब उनकी मृत्यु होती थी उनका वध करते थे तो वहां पे भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा वरदान देते थे कि उनकी मृत्यु सफल हो जाती थी। यानी भगवान बड़े से बड़े पापी पे भी अपनी कृपा करते हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पिछले जन्म में कोई बुरे भी कर्म किए हैं और आपकी स्टार्टिंग से ही स्थिति कुछ ठीक नहीं है लेकिन आप बाद में अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो यकीन मानिए आपके दिन जरूर बदलेंगे। आप बात करते हैं कि आखिर पूजा पाठ करने वाले को ही क्यों ज़्यादा दुख मिलते हैं। देखिए, हमेशा पत्थर उसी वृक्ष पे फेंका जाता है जिसपे कि फल होते हैं। आप देखिए, जिन पे आम लगे होते हैं, अक्सर मीठे आम लगे होते हैं, तो उन पे लोग बाग कितने पत्थर फेंकते हैं क्योंकि उस वृक्ष के पास उनको देने के लिए कुछ है, इसीलिए उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। अगर कोई ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर की कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो उस पर कोई क्यों ही पत्थर फेंकेगा। आप समझ रहे हो, यदि आपको लोग बाग आपके पास आ रहे हैं और आपकी मदद बार बार मांग रहे हैं, भले ही वो आपको बाद में धोखा दे दे, वो उनका स्वभाव है कि वो क्या कर रहे हैं और वो उनका कर्म है। आपके लिए तो इसी बात की खुशी बहुत हो जानी चाहिए कि कम से कम लोग बाग आपके पास आ तो रहे हैं, आपके पास लोग बाग आ रहे हैं क्योंकि आपके पास है कुछ उन लोगों को देने के लिए, आपके पास मदद है उन लोगों को देने के लिए, इसलिए बार बार आपके पास लोग आ रहे हैं। तो आपको तो इसी चीज में खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि लोग बाग आपकी मदद मांगने आपके पास आते हैं और आप समर्थ हो लोगों की मदद करने में। दूसरा है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, अच्छे कर्म करते हो, भगवान से जुड़ते हो, परमात्मा के करीब होते हो, तो आपके मन में करुणा, प्रेम ही सब आपकी कमजोरी बन जाती है, यानी कि ये आप में कूट कूट के भर जाता है। अगर कोई आपके पास आता है, भले ही आपको पता है कि कल मुझे जो है मेरी बुराई कहीं पे जाके करेगा या ये मेरा बुरा भी कर सकता है, लेकिन आप खुद को नहीं रोक पाते उसकी मदद करने से क्योंकि आप उतने अच्छे बन चुके हो, करुणा आपके अंदर कूट कूट के भर गई है क्योंकि आप परमात्मा के इतने करीब जो हो। तो आपकी ये जो चीजें हैं वो आपकी कमजोरी बन सकती है कि भले ही सामने वाला मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो ये आपके अंदर की पावर है, ना कि कमजोरी। जब आप इसको कमजोरी समझ लेते हो ना, तो आपके मन में सवाल उठता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतने अच्छे कर्म करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान फिर भी मुझे क्यों दुख देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी सोच का थोड़ा सा फेर हो जाता है। अगला है कि जब आप भगवान आप पर कोई विपत्ति भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए विपत्ति हो, वो आपकी परीक्षा भी हो सकती है क्योंकि जो छात्र जिस लेवल पे होता है, जितना उसके पास अनुभव होता है, जितना उसके पास सामर्थ्य होता है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही टफ होती है। यानी जो बच्चा LKG में है वो उस हिसाब से परीक्षा देगा और जो इंटर में है या उससे अलग किसी क्लास में है
उस हिसाब से परीक्षा देगा। तो अगर आप भगवान के इतना करीब हो तो आपका सामर्थ्य और आपका मनोबल और आपका अनुभव इतना ज्यादा हो चुका है कि अब आप छोटी मोटी परीक्षा के लिए नहीं बने हो। भगवान आपको बड़ी से बड़ी परीक्षा देंगे ताकि आप और निखर के सामने आओ। तो भगवान आपको निखारने के लिए सब कुछ करते हैं और आप जितना डिजर्व करते हो उससे कहीं ज्यादा आपको देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं और वो आपको कभी हारने भी नहीं देते। वो आपको हिम्मत और रास्ता भी खुद से दिखाते हैं। जितनी मुसीबतें आपके ऊपर आती है, अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं भगवान ने तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, मैंने तो अच्छे कर्म किए थे लेकिन मेरे साथ बुरा हो गया, भगवान चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि भगवान ने मेरे लिए कुछ बहुत बेहतर सोचा है और पता नहीं मेरे लिए कितना बड़ा सोचा है और मैं लायक हूँ इसलिए भगवान ने ऐसी परीक्षा मेरे सामने रखी है तो मैं इसको जीतूंगी, क्योंकि भगवान रहा भी मुझे अपने आप ही दिखाएगा। तो यकीन मानिए आप कभी हार नहीं सकते और दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और जो भी लोग हार गए हैं, जो भी लोग परेशान हैं, टूट गए हैं, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।